नमस्कार दोस्तों, सिटी न्यूज बरेली में आप सभी का स्वागत है। मैं सलोनी कश्यप। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। बरेली पुलिस ने किया महिला के साथ की गई लूट का खुलासा। आज एसएसपी ने शहर के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के राम जानकी मंदिर रोड पर बीती नवंबर की दोपहर को दो बदमाशों ने महिला अंजनी वर्मा से महिला का लैपटॉप व बैग, उसके साथ ही मोबाइल और 2000 रुपये लूट लिए थे। लूट की सूचना थाना पुलिस में मौके पर पहुंच के दे दी गई थी। इसके बाद लूट का मुकदमा थाना प्रेमनगर में दर्ज कराया गया था। आज महिला के साथ लूट की वारदात का खुलासा करते हुए दो बदमाशों को लूट के मामले के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जिसका खुलासा एसएसपी ने प्रेस वार्ता में कर दिया। वहीं एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए बदमाश जनपद पीलीभीत के रहने वाले हैं। बदमाश विकास पुत्र छोटेलाल और आकाश पुत्र राजकुमार इस घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी रोहित सचवान ने बताया। अपने एक बैग के साथ जा रही थी, उस बैग में उनका लैपटॉप और कुछ दस्तावेज रखे हुए थे और ये लैपटॉप दो लोगों के द्वारा छीन लिया गया था, जिसमें 12 तारीख को एक लूट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस के द्वारा इसमें आसपास सीसीटीवी फुटेज की छानबीन की गई, तो उस दौरान दो व्यक्ति इसमें दिख रहे थे और उनको पिछले कुछ दिनों के दौरान लगातार पहचान कराई जा रही थी। उसमें दो व्यक्ति जो है उनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक जो है वो हिस्ट्री शीटर है जो थाना जो जनपद पीलीभीत का रहने वाला है, दूसरा व्यक्ति है वो भी पीलीभीत का रहने वाला है और दोनों यहाँ पर कार्य करते हैं और उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। इन दोनों के पास से जो लैपटॉप जो लूट का गया था वो बरामद किया गया, साथ ही साथ जो पैन कार्ड और अन्य जो दस्तावेज उस बैग में थे और मोबाइल फ़ोन जो उसमें लूटा गया था वो भी बरामद किया गया है।